अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी साइमा। हो यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड ओके। व्यूअर्स, एज यू नो के मैं जस्ट आपके साथ जो है कुकिंग रेसिपीज जो शेयर नहीं करती हूँ, इसके अलावा भी मैं अपने व्लॉग्स में फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं या और भी मोमेंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके अलावा चूँकि आप भी मेरी फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं तो मैं अपने दुख भी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है और हल्का फील होता है। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि मेरी सिस जो हैं उनकी तबीयत ख़राब है और उनके लंग्स का जो बहुत प्रॉब्लम है, वो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, तो उनके लिए प्लीज़ सेहत याबी के लिए बहुत दुआ कीजिएगा और उनकी लंबी उम्र के लिए। आई मीन इट लॉर्ड। मैंने ये आपसे ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने वीडियो को स्लोमो पे कर दिया ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ और टाइम मिल सके, और प्लीज़ दुआ कीजिएगा बहुत बहुत दिल से। अच्छा जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। अब एज यू कैन सी के पालक नज़र आ रही है, तो मैंने ले ली है 2 किलो पालक, और ये देख सकते हैं आप, इसमें दो टाइप्स की होती है, एक कटाव वाली होती है, हमें कटाव के बगैर वाली चाहिए। आप पत्ते देख सकते हैं, कटाव वाली जो होती है उसके लीव्स में जिगजैग्स होते हैं, तो हमने डंडियाँ इस तरह से अलग कर लेनी है और इस तरह से सारी पालक को हमने तोड़ लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो उसकी डंडियाँ हैं उसको हमने रिमूव कर देना है और इस तरह से पत्ते लेके फिर उनको कट कर देना है, इस तरह से बड़ा बड़ा कट कर लें क्योंकि हमने इसको बाद में ग्राइंड भी करना है, और इनको कट करके फिर हमने इसको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के लिए आपने कोई डीप सा बर्तन लेना है और उसमें गहरे पानी में आपने इसको वॉश करना है, टोकरी या इस तरह से कोई बर्तन में आपने वॉश नहीं करना इस तरह से, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है मिट्टी होती है और काफ़ी डर्ट होता है, तो आपने गहरे पानी में 2 से 3 दफ़ा आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद ये पानी आपने ड्रेन कर देना है और अब इसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए आपने कोई डीप सा बर्तन लेना है और ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अपना ही काफ़ी लीव्स में पानी होता है और हमने ज़्यादा देर के लिए बॉईल भी नहीं करना है, जस्ट 5 to 6 मिनट्स के लिए हमने इसको बॉईल करना है क्योंकि मज़ीद हमने इसको कुक भी करना है बाद में। तो अभी हमने इसको थोड़ा पानी लेके तो सारा इसमें जो हमने वॉश किए थे पालक वो इसमें डाल के 6-7 मिनट्स के लिए बॉईल कर देनी है कवर करके। अच्छा जी, पालक इस तरह ऐड करते जाएंगे और इसको थोड़ा प्रेस करते जाएंगे तो वो पानी के ऊपर है जो नीचे चली जाएगी और हम मज़ीद पालक डालने की गुंजाइश बन जाएगी। बॉईल करके हमने इसको अब ग्राइंड कर लेना है जस्ट 1 मिनट के लिए, बीच में ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देंगे 4 से 5। अब जिसमें हमने बॉईल किया था उसी बर्तन में ही हम मज़ीद कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मीट ले लिया है हमने, इट्स बीफ, ऑलमोस्ट 3 पाव के करीब है, और इस आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं और उस लिहाज से जो इसकी कुकिंग टाइम होगा। हमने ले लिया है प्याज 1 लार्ज, टोमेटोज ले लिए हैं 2, अदरक लहसुन आप पेस्ट ले सकते हैं, मैं इसको एज इट इज़ डाल दूंगी, अदरक मैंने काट ली है और लहसुन ऐसे ही मीट के साथ गल जाएगा, सब कुछ इकट्ठा हमने ऐड कर दिया है इसमें। अब हम डालेंगे सॉल्ट 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, साबुत गरम मसाला जिसमें दालचीनी, लौंग, ज़ीरा और काली मिर्च है, और पानी हमने डाल दिया है 2 ग्लास। अब इसको हम प्रेशर देंगे और प्रेशर पे इसको कुक करेंगे। प्रेशर बोलने के बाद आप 15 से 20 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। मैं 20 मिनट्स के लिए इसको प्रेशर पे कुक करती हूँ कि मुझे जो है ज़्यादा टेंडर मीट पसंद है। अब ऑयल ऐड कर देंगे, पानी ड्राई हो चुका है, 1/2 कप के करीब ऑयल डाल देंगे हम और इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। अब धनिया पाउडर डाल दिया और अच्छे से भून लेना है, टमाटर प्याज अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा इसमें, घी छोड़ दिया है इसने। अब हम इसमें ग्राइंडेड जो पालक रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे और इसको कुक करेंगे, और इतना कुक करेंगे कि पालक का जो है पानी ड्राई हो जाए और जो है घी अलग हो जाए और थोड़ी थिक फॉर्म में आ जाए।
देखें व्यूअर्स, ऐसे ही हमें फॉर्म में चाहिए पालक, और बस ये थोड़ा सा मेस जो है क्रिएट करती है, काफ़ी इससे बच के रहना चाहिए। जो है बबल्स होते हैं और छींटे काफ़ी उड़ाती है ये, तो अपने हाथ वगैरह काफ़ी बचा के आपने इसको चमचा चलाना है। लास्ट में हम धनिया ऐड कर देंगे, गरम मसाला 1 टीस्पून, और अगर आप पसंद करते हैं तो लास्ट में देसी घी या फिर बटर जो है ऐड कर दें तो वो अच्छा टेस्ट देता है। मैंने 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर दिया था और थोड़ा गार्निश के लिए भी रखा था, और पसंद करते हैं घर में तो मैंने ऐड कर दिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हमारी पालक जो है रेडी है, डिश आउट कर ली हमने। ऊपर भी मैंने थोड़ा बटर डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस कैसी होनी चाहिए। आप इसको चावलों के साथ सर्व करना चाहते हैं, बॉयल्ड चावलों के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, या फिर आप चपाती के साथ सर्व करना चाहते हैं या पराठे के साथ। आई लाइक इट विद बॉयल्ड राइस। यहाँ पे मैंने सादा रोटी के ऊपर देसी घी जैसे लगाया था, इट्स नॉट पराठा, तो ये भी पसंद की जाती है हमारे घर में, मैंने इसलिए ये बनाई थी। इट्स वेरी हेल्दी वेजिटेबल। अगर आपके घर में इसको चिकन के साथ पसंद करते हैं या मटन के साथ पसंद करते हैं, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और अगर मीट नहीं पसंद करते बहुत से लोग, तो आप इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं। और आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसका रिज़ल्ट जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, बाय, हाफिज़।